ना करे, मेरा ही नाम माहिल सिंह है, उरियल निवासी। सबसे पहले आप लोग जय ध्वनि में जय बोलेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखे हैं। राम नाम को जय बोलेंगे, हाथ उठा करके बोलेंगे और ताली बजा करके बोलेंगे, और जिसको पास हाथ नहीं है वो नहीं बोलेंगे। तो कैसे कि आत्मा रूपी वृक्ष पर पाप रूपी पक्षी बैठा हुआ है, हम मुंह खोल करके बोलेंगे, फड़फड़ा करके उड़ जाएंगे। देखिए सतयुग में महा मुनि विश्वामित्र जी राजा हरिचंद्र जी को काशी जी में जाकर के बेच दिया, द्वापर में मनिया दुर्गा क्षत्रियो लोग का लड़वाकर सर कटवा दिया, त्रेता युग में मामा शौकनी क्या किया, दुर्योधन और पांचों पांडव को लड़ा कर विनाश किया, और कलयुग में वही माहिल सिंह है, सात बखान चुगली करके सोच रहा हूं, जब से बुढ़िया बुढ़िया सब लिपिशती नौकर हुए अकेला कार्तिक
करते परेशान हो जाता। आप सुने होइएगा, अभी अभी हमारे महेंद्र सिंह महाराज क्या बोले हैं कि मैं बीस का नेता हूं, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ये हमें साल में 3 पौवा खेसारी तनख्वाह देता ने महीनवारी, साल में 1 ठो पान 1 ठो 7 और सर पर टोपी हाथ में बंदू और रुआ वही रखे हैं। कहां कहां करे महाराज को बंगला पकड़े कि महारानी को घर में करे, हम कहां कहां क्या कहेगा माहिल सिंह कैसा है और नौकर कैसा रखा है। बोलने कभी तभी जी नहीं है, मैं अभी उसे बोली सिखला रहा हूं। मेरे बहादुरों, इधर आओ, सामने में आओ। आ गए, आ गए, इधर आओ, आ गए। जब मैं पुकार रहा था तुम पीछे से क्या बोला है? कुछ कुछ नहीं बोला है। तेरी माँ की और कहेंगे माहिर सिंह कैसा है और नौकर कैसा, बोलने का भी तमीज नहीं है। कमीज कमीज तो तल में है, ऊपर है। फिर वही बात, बोलने का लहजा सीखो, लहजा बोलने का। आप ये कहिए महाराज, इतना दिन से आप दरबार में रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं कि न रहते हैं? क्यों नहीं रहते कि न रहते? अच्छा, हाँ हाँ, कहियो बोले के चले के से सिखा दे ले। तभी मैं सिखला रहा हूँ, सिखा दे ले थे। अभी मैं सिखला रहा हूँ, देखो जाड़ा के मौसम, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो एक घंटे में तुम्हारी नाई याद आ जाएगा। हमको सिखा दीजिए, बोलने का सेलिंग, चलने का सेलिंग सब सिखा दीजिए। कान खोल लो और दिल की डायरी फैला करके लिखते जाओ। जब मैं कहूंगा मेरे बहादुरों, तो तुम क्या कहना? जी हजू सीख लिया, बहुत होशियार है। तो अभी मैं परीक्षा ले रहा हूँ, भोर में लीजिएगा। नहीं, पैसा देंगे तो रात भर कुत्ते से कटवा देंगे, पैसा ना देते हैं। सुबह में नहीं ले लो मेरे बहादुरों। जी ससुर जी, तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि जाड़ा के मौसम है, ऐसा मार मारेंगे, ऐसा मार मारेंगे को जीवन भर याद रहेगा। बंदूक का तोड़ देंगे। अरे सारा हुआ बंदूक से ड्यूटी कर गया तो नहीं टूटा। देखो रे माहिर सीता, 4 पन बीत गया, तीसरा पन बीत गया 4 पन में और एक ही पन बाकी है, तो बंदूक तो ऐसा मारता है, नहीं तो सड़ेगा नहीं। आपको सुनने में धोखा हुआ है, मिलाइए। जी हजूर, जी खजूर, जी ससुर, जी हजूर, जी ससुर, जी खजूर, मिलता है की बात होता है? देखते पूछे से कोई आता है नहीं तो ठीक है। देखो देखो, मेरा भी जी का रहा है क्या, 56 छुरी और 72
आखिर आप इतने जोरों से क्यों बोल रहे हो? आप क्या पूछना चाहते हो? हमारा बोली यही है बबुआ, हैंडबॉल बेस्टर है। तो आप क्या पूछना चाहते हो? देखो, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि माहिल सिंह के दरबार पर हुए क्यों जा रहा है? रास्ता वहां है, समझ गया? शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। समझाओ। ये मेरी चाची मोरम वाली, अच्छा, जिनका नाम फूला है, अच्छा, मेरा घर नगर मोहबा पड़ता है। ये मेरी चाची की डोली नगर मोरम को जा रहा है। आज के 8वें रोज में मैं वापस डोली लेकर नगर मोहबा को चला जाऊंगा। क्या नहीं, ठीक है बबुआ, तुम जा सकते हो, जाओ। ठीक है। याद आया, यही बदला लेने का मौका है। स्वराज कैलेंडर में मीटिंग लगा था, जुगा पैसा हो रहा था। मैंने क्या किया, परवल सिंह के दरबार में चित कौड़ी का भट कर दिया। उदला ने हमें ऐसा कसकर चमेटा मारा कि मुख का बदिसो दांत हिला दिया। चारू उदला, तुमको कर्म फूट गया। आज बदला मैं नहीं लिया तो मेरा नाम माहिल सिंह नहीं। इस समय जा रहा हूं कहां? अपने भगना के पास। डोली नहीं रास्ते में घेरवा दिया तो मेरा ही बुढ़ा माहिल सिंह नाम नहीं। माहिल सिंह आराम गए हो साथ।